आज हमारे धरती पर पेड़ पौधों की 4 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। दुनिया भर में पेड़ पौधों की अजीबोगरीब प्रजातियां हैं। आप शायद आज भी इन पेड़ पौधों से अनजान हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की उन प्रजातियों के बारे में जिसको देखने पर आप सोचने को मजबूर हो ही जाएंगे। नंबर 10, ड्रैगन ब्लड ट्री। यह पेड़ मुख्य रूप से यमन में पाया जाता है। ड्रैगन ब्लड ट्री एक अनोखा और विचित्र पेड़ है जिसमें उल्टा घनी तरह से बना हुआ मुकुट होता है जो एक सीधी खड़ी छतरी के आकार का होता है। इस पेड़ को काटने पर खून की तरह सैप निकलता है। यह सदाबहार प्रजाति अपने गहरे लाल रक्त के नाम पर है जिसे ड्रैगन के रक्त के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 9, चैपल ओक। यह पेड़ फ्रांस में स्थित है। चैपल ओक लगभग 1200 साल पुराना पेड़ है। जब यह 500 साल का हुआ था तब वह बिजली की चपेट में आ गया था। परिणाम स्वरूप आग धीरे धीरे केंद्र के माध्यम से जल गई और पेड़ की बाहर से खोखला कर दिया। इस पेड़ पर चढ़ने के लिए एक घुमावदार सीढ़ी भी बनी हुई है। इसके ऊपर चढ़कर लोग पूजा भी करते हैं। नंबर 8, रूट ब्रिज ट्री। यह पेड़ उत्तर पूर्व भारत के जंगलों में प्रचलित आर्बर कल्चर का एक विशेष नमूना है। चेरापूंजी के रबर के पेड़ों का सदियों से स्थानीय लोगों द्वारा नदियों पर इसका पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस पेड़ से पुल बनाने के लिए एक लॉग को खोखला करना होता है। जिस जगह से आप नदी में क्रॉस करना चाहते हैं उस पर लॉग को रखना होता है और लॉग में बढ़ने के लिए पेड़ की जड़ों को समानांतर में लाना होता है। इस तरह से लोग नदी पर इसका पुल बना लेते हैं। नंबर 7, बोटल ट्री। यह पेड़ मुख्य रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाया जाता है। यह पेड़ बोतल के आकार के होने के कारण बोटल ट्री कहलाता है। यह पेड़ लगभग 5 से 15 मीटर की ऊंचाई तक होता है। नंबर 6, ग्राइफिनो ट्री। यह पेड़ मूल रूप से पोलैंड और जर्मनी में पाया जाता है। यह पेड़ जर्मनी के पोरोमानिया में 1930 के आसपास लगाया गया था। यह पेड़ जमीन के स्तर से ठीक उत्तर की ओर तेजी से झुकता है और फिर 3 से 9 फीट घुमावदार होने के बाद सीधा ऊपर की ओर मुड़ जाता है। इस पेड़ का उपयोग फर्नीचर या नाव बनाने में किया जाता है। नंबर 5, बोआ प्रिजन ट्री। यह पेड़ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास डिगर्स रेस्ट में मौजूद है। यह पेड़ अंदर से पूरी तरह से खोखला है। बताया जाता है कि इस पेड़ के अंदर पहले कैदियों को रखा जाता था ताकि वह बाहर नहीं भाग सके, इसलिए इसे बोआव जेल ट्री भी कहा जाता है। नंबर 4, बोवन ट्री। यह पेड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इस पेड़ की ऊंचाई 69 मीटर है और इसका व्यास 7.9 मीटर है। इस पेड़ को काटकर एक सुरंग बनाया गया है जिसमें गाड़ियां आसानी से आ जा सकती है। यह पेड़ पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। नंबर 3, एबेन्यू द बाव वाव। यह पेड़ मुख्य रूप से मेडागास्कर में पाया जाता है। यह पेड़ देखने में लोगों को बहुत आकर्षित करता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक होती है। मेडागास्कर में यह पेड़ ज़्यादातर सड़क के किनारे दिखाई पड़ता है। नंबर 2, एक्सल एयरलैंडसन सर्कस ट्री। इस वृक्ष का आकार प्राकृतिक नहीं है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसे बहुत ही सुंदर किस्म का आकार दिया गया है। जिस व्यक्ति ने इस पेड़ को आकार दिया है उसका नाम एक्सल एयरलैंडसन है, इसलिए इस पेड़ को उनके ही नाम पर एक्सल एयरलैंडसन सर्कस ट्री कहते हैं। उन्होंने इस पेड़ को काटकर अलग अलग तरीके से शानदार आकार दिया है। उनके अनुसार यह सर्कस ट्री है। नंबर 1, चमत्कारी बरगद नालगोंडा। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के नालगोंडा में स्थित है। इसका खासियत यह है कि इस पेड़ में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों की आकृतियां बनी हुई है। सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, अजगर आदि खतरनाक पशुओं और पक्षियों की आकृतियां पूरे पेड़ पर बनी हुई है। इस पेड़ के तनों पर किसी ने इस कलाकृति को गढ़ा है। लोगों का मानना है कि यह चमत्कार नहीं है, वहीं बहुत लोगों का मानना है कि यह अनोखी प्रजाति का पेड़ है जो कि पूरी दुनिया में इकलौता है। जिस तरह से इस पेड़ की आकृतियां बनी हुई है उस तरह से इसे बनाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जिस प्रकार के भी वीडियो चाहिए उनके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए और अद्भुत वीडियो के साथ। धन्यवाद।